अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं झटपट से तैयार होने वाले रवा ढोकले, यानी सूजी के ढोकले। तो यहाँ पर हमने 2 कप के करीब सूजी ले ली है, यानी रवा ले ली है, और सूजी हमने यहाँ पर थोड़ी सी बारीक वाली ली है। अगर आपके पास है मोटी वाली सूजी हो तो फिर आप उसे थोड़ा सा पीस लें। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब दही। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, और दही आप यहाँ पर थोड़ा सा खट्टा वाला लें। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और ये 1/2 कप डालेंगे इसमें हम पानी। तो ये देखिए, दही और पानी दोनों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है सूजी में। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सूजी जो है अच्छी तरह फूल जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद में अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी ये थोड़ी सी थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप के करीब डालेंगे पानी, मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ये डाल देंगे, तो इसे हमने दरदरा पीस लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल, और 1 पाउच पूरा हम इनो का लेंगे, ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी केक टिन लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इसे अब हम डालेंगे ये केक टिन में। तो ढोकलों को स्टीम करने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी को गर्म कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी ले लिया है, और इसके ऊपर रखेंगे हम। अब इसमें हम रखेंगे ये ट्रे। अब इसे हम ढक देंगे, और फ्लेम को हम यहाँ मीडियम टू लो पर रखेंगे। अब यहाँ हम ढोकले को चेक कर लेंगे। ये देखिए, एक टूथपिक लेंगे और इसे इस तरह बीच में डालेंगे। अगर ये क्लीन आती है तो समझिए कि अच्छी तरह स्टीम हो गया है। ये देखिए, ये क्लीन आई, अच्छी तरह स्टीम हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए पैन में हमने 1 चम्मच के करीब तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब राई जीरा और सौंफ। तो राई जीरा और सौंफ जब हल्के से तड़क जाए, तो अब यहाँ फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे। लीजिए, बघार तैयार है। अब इसे हम डालेंगे ढोकले में। तो ढोकले को हमने एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है। अब इस पर हम डालेंगे ये बघार। लीजिए, ढोकले बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये ढोकले बने हैं। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खाएं, बहुत मजे के लगते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।